आज हमारे घर पे बनने वाला है मटन और कैंडल लाइट डिनर चल रहा है। कैंसा भी तो गलत है, सीन हो रहा है एकदम गलत। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सो एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड आज के दिन की शुरुआत भाई साहब एकदम तबाही वाली ठंडी से हो रही है। और फिलहाल अभी का वेदर देखिए एकदम खतरनाक। और सुबह समय में इतना ज्यादा बारिश होता है ना, जब मैं दुकान खोलने के लिए गया था उस समय भाई साहब कंटिन्यू बारिश बारिश बारिश, जस्ट अभी कुछ समय पहले बारिश हुई है तो मैं आया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ पर ये मेरे जो बकरियाँ है ना, ये मुझे इतना परेशान कर रहे, समझ नहीं आ रहा। ये खसी है, बकरे नहीं है, ये भी खसी है, वो भी खसी है, हमारे घर पर बकरे नहीं है, इतना परेशान कर रही है, पता नहीं इसको क्या चाहिए, क्या मांगती है, क्या मांगती है। कितना खूबसूरत खूबसूरत फेस किसका है बताओ। आप सभी लोग अपने खूबसूरत दोस्त को टेक करो जिसका फेस इसके जैसा दिखता हो। आज सुबह सुबह एक हमें प्रॉब्लम भी सुनने को मिला, एक्चुअली कल रात से हुआ था बट वो हमें पता नहीं था। हमारे जो मार्केट में एक पोल है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का पोल है ना, वहाँ से पूरा क्या बोलते हैं वायर सबके घरों में गया ना, तो वो जगह में शॉर्ट हो चुका है एंड वो कल रात को गया एंड अभी तक करंट नहीं। और बारिश ऐसे रहा तो फिर शायद बनाने वाला भी नहीं आएगा, तो आज शायद करंट भी नहीं आ सकता एंड क्या होगा पता नहीं। खैर दुआ करते कि वो आकर बना दे तो ठीक होगा, तभी जाके पूरा आज का वीडियो भी कंप्लीट कर पाऊंगा और साथ ही साथ कल के लिए मेरे जो एडिट भी करना है। ऐसे मौसम में सबसे बेस्ट प्लेस ना ये होता है, ये जहाँ पर आग जल रही होगा ना वो सबसे बेस्ट प्लेस, तो हमें आराम से बैठ जाओ और उसके बाद कुछ कुछ खाते रहो ना, तो भाई ये वाला जो मोमेंट होता है ना वो कहीं और नहीं मिलेगा, एकदम आग तापते रहो। अब मुझे भी ना ऐसे अभी और अभी मैं ऐसे आग ताप रहा हूँ तो दुकान जाने का भी मन नहीं कर रहा है। आराम से आग में ऐसे बैठे रहो और शरीर को गर्म करो। पर अपना ब्रेकफास्ट निकल चुका है, तो ये है आपका पत्ता गोभी और मटर का सब्जी, और ये रात का बच गया था आलू मटर का सब्जी, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। और ये रहा अपना फेवरेट रोटी, और आज सुबह सुबह अपने घर पे ये भी बन रहा है, देखिए स्टोमक मटन क्या बोलते हैं बकरियों का पेट, हाँ वो बन रहा है। और साथ ही साथ अपने घर पर आया है मटन जो कि अम्मी यहाँ पर देख रही है, तो रात को बनने वाला है ये अपने घर पर मटन और ये चुस्ता जो कि मुझे अच्छा लगा, ये रात को बनेगा। और आज वाला जो मीट देख रहे हो ना इसमें ज़्यादा आपको ऑयली देखने को मिलेगा, ऑयल। ब्रेकफास्ट सिंपल एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और चाय है कि नहीं है, हाँ चाय भी यहाँ पर है तो एक गर्म करके ले लेते हैं और चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और यहाँ पर देखिए अपने बुलबुल को एकदम मस्त से कम्बल में सो रही है और वहाँ पर सबीना, तो सबसे बेस्ट जो एंजॉय कर रहे हैं ना ये दोनों ही कर रहे हैं, एक हमारा बुलबुल और उधर सबीना। और सकीना को बेचारा दिया ही नहीं सबीना उड़ने के लिए, हाँ सकीना दुश्मनी ठीक ही है। सबीना पूरा दुकान साफ कर दिया, पूरा मस्त मिला रहे हैं, काम वाम कुछ नहीं दुकान पर क्योंकि ठंडा वेदर, और सबीना का एकदम पूरा एकदम कारीगरी चल रहा है, सुंदर 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 पूरा लगा रही है। क्या चीज गुड 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 बिजनेस कल बिजनेस कल। आपको दिन भर में कुछ दिखाया नहीं बट अभी रात में तो आपको जरूर दिखाऊंगा क्योंकि आज हमारे घर पे बनने वाला है मटन और अपना सकीना बनाएगी एंड कैसे बनाएगी वो आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ उसके साथ होने वाला है क्या वो भी रात को आपको देखने को मिलेगा। हमारे मार्केट से एक बहुत ही बुरा खबर सुनने को मिला कि हमारे मार्केट में एक शख्स है जिनका आज कुछ समय पहले उनका भी मौत हो चुका है, तो बहुत दुख लगा सुन के, बट कर भी कह सकते हैं ये तो क्रिस क्या कहते हैं ना कि ऊपर वाला के खेल है, जो भी इस दुनिया में आया है वो उसका तो एक ना एक दिन तो मौत हो गए, तो इसमें रोने वाले भी बात नहीं है। एंड एक होता है ना कि कोई ज़्यादा एज में मर जाए ना तो उनको तकलीफ ज़्यादा होना, तब थोड़ा सा बुरा लगता है, बट अगर कोई बिना तकलीफ का मर जाता है ना तो उसमें एक तरफ से खुशी होना चाहिए कि हाँ ज़्यादा उन्होंने तकलीफ फेस नहीं किया। ऐसे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा भाई, इतना तकलीफ कर करके लास्ट में जाके उनके डेथ होता है, तो एक्चुअली में हाँ ठीक ही है, मतलब अगर एक समय पर मर गया तो अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी एक समय पर मर जाए, ज्यादा तकलीफ ना बुढ़ा होके। मैं कितना अच्छे समय में आया क्या ही बताऊं आपको, तो मैं अभी जस्ट आया तो इन लोग खाना बनाना शुरू किया और खाना बनाना तो शुरू किया बस साथ ही साथ ना करंट भी चला गया, तो आज अपने कैंडल लाइट डिनर चल रहा है। कैंडल नाइट डिनर ऐसा होता है, पर मटन रोटी के साथ इमरजेंसी शायद 10 से 15 मिनट चल जाए तो इसी का भी हेल्प लूंगा मैं। अच्छा तो बस इसी का हेल्प करके आज मैं वीडियो बनाऊंगा, हाँ काफी अच्छा आ रहा है, तो मैं लमटेन भी बनाऊंगा और सकीना खूबसूरत भी होगी सर। तो आज अपने घर पे क्या बन इतना प्रॉब्लम, देखो इसको सब अभी मिक्सर में पीसने जाना था, ये सबको कौन सा ये सबको मिक्सर में पीसना था, टमाटर को भी हाँ। अभी क्या करेगी अभी हाथ से सिलपट्टा
चलो तेरा सब्सक्राइबर जो तुमको देखने वाला है उसके लिए तो खुश करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ना, क्या बोलती? ज्यादा पीसने। तो अभी यहाँ पर क्या क्या कट चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्याज है, टमाटर है, मिर्चा, नाम मुझे नहीं पता था बट आप लोगों ने कमेंट करके बताया, इसको कहते हैं दालचीनी, तो मुझे अभी याद हो गया। तो दालचीनी, उसके बाद इलायची, इधर मैं अपना लहसुन अदरक प्याज सब कुछ रेडी है, बस अब इसको पीसना है। सबको एक साथ अपना पेस्ट तैयार हो चुका है, जो कि है टमाटर और यहाँ पर कुछ मिक्स करके दिखाया था आपने को वही, और साथ ही साथ भाई साहब इतने जोर से बारिश शुरू हो गया, क्या कहना चाहोगे इस बारिश में? अभी जोर से बोलो, जैसे ना बारिश का आवाज सुनाई देगा तो क्या होगा? यह देखिए दोस्तों, बारिश तो गिरा और साथ ही साथ यहाँ में हिल स्टोन बोलते हैं ना, पत्थर वगैरह गिरने लगे, वो देखिए भाई साहब, ये तो गलत ही सीन हो रहा है, एकदम गलत। मजेदार बारिश के बाद अब यहाँ पर फिर हम वापस आ गए अपने काम पर, और यहाँ पर पेस्ट वेस्ट पूरा रेडी हो चुका है एंड अब कुछ मसाले ऐड करेंगे, है कि नहीं सकीना? मिक्स नहीं करेगा इसको यहाँ पर? आज मिक्स वाला नहीं बनेगा। तो आज अलग? ओके तो उठाओ, अभी हम नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि आपको दिखाना भी पड़ेगा ना। मिक जा रहा है, मिक। गया, तो चलो अब चलते हैं किचन पे ही। बहुत भयंकर वाला वेदर हो रखा है, बारिश भी हो रही है और स्टिल हम लोग ना चूल्हे पे बना रहे हैं, क्योंकि ना चूल्हा पर ना मटन वगैरह जो बनता है ना उसका टेस्ट स्वाद अलग ही लगता है, इसीलिए देखिए आग नहीं जल रहा बट स्टिल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आज यहीं पे बनाएंगे, क्योंकि भाई मटन देख रहे हैं ना, तो मटन को यहाँ तो पकाना बनता है ना मेरी जान। तो बस यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है एंड अब धीरे धीरे प्रोसेस चालू होगा। मटन को जान बोल रहे हैं। यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, इसको अभी गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर आधी लहसुन प्याज वगैरह सब डाल के अच्छे से फ्राई कर दिया एंड अब डायरेक्ट यहाँ पर डलेगा मीट मटन। बारिश ऊपर हम दे में आता, हमने सुन भूत आ गया, मतलब सिर्फ लाइट दिखा दे रहा, और बेरवाज कौन हुआ है वो ऊपर से आप देख रहे हैं, इधर इसमें दूर क्या है, इधर आके आप लोग इधर गिर भी नहीं रही, क्या होगी इसको, करंट शॉट मार दिया क्या, इसको बिजली मार दिया लग रहा है। गाढ़ा हो गया दादा, पूरा एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो गया, अंदर में अभी बसा हुआ है। अरे इसको बिजली मार दिया लग रहा है, पानी डालेगा मटन जो कि 70% पक चुका है एंड अब यहाँ पर जाएगा अपना टमाटर का मिर्चा, नहीं टमाटर और मिर्चा का पेस्ट, और आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा क्योंकि यहाँ पर ना एकदम गर्मा गर्म भाप निकल रहा है ना, तो आपको कंप्लीट होने के बाद तो दिखाई देंगे बट अभी बनने का प्रोसेस में तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना हम। बस उतना ही पहले ग्रेवी वाला बना, कम ग्रेवी रहेगा ना, मसाला वाला रहेगा ना, पकने के लिए थोड़ा। ओके ठीक बा, तो यहाँ हम लोग का ऑलमोस्ट पूरा पक चुका है, बस अब पानी डाल के इसको थोड़ा सा और बुलबुला कर देंगे। हम लोगों का यहाँ पर फाइनली मटन बनके पूरा रेडी हो चुका है और कितना मस्त लग रहा है, और इसका टेस्ट कैसा हो तो खाने के बाद ही पता चल गया, क्या बोलती है? बहुत टेस्टी बना हुआ। बहुत टेस्टी बना हुआ। सो ये रहा अपना मटन और इधर रहा अपना फेवरेट रोटी जो कि अभी हम करने वाले हैं एकदम मजे से। यहाँ पर अभी खाना आ चुका हम लोगों का, मटन और रोटी, और उसके बाद यहाँ पर अब्बा और आज पप्पू भैया का स्पेशल इन्वाइट किया मटन खाने के लिए। और वहाँ पर अम्मी तैयारी कर रही है अपना लेकर खाने के लिए। क्या नमक कम है?
पता नहीं अभी खाने के बाद पता कैसे चलेगा कैसा है। तो आप जल्दी से अपना ये टेस्टी वाला मटर खाते हैं। तो कल रात का मैंने एंडिंग शूटिंग नहीं कर पाया क्योंकि कल हमारे घर पे करंट नहीं था, जिसके वजह से एंड अभी मैं शूट कर रहा हूँ उसको, वो भी दोपहर में जब करंट आई है। पीछे क्यों देख रहा हूँ, मुझे देखो मुझे। और आपको एक राज की बात बताऊँ, जो आपको रेड कलर के सब्सक्राइब करके लिखा दिख रहा है ना, ये बहुत हानिकारक है, उसे क्लिक करके कलर चेंज कर लो ना, वरना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कल मिलेंगे और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।